चले मूविंग ऑन. टीपू आर यू रेडी? रेडी. चले तो टीपू के साथ हम खेलेंगे मासूमाना ओवर की पहली बॉल. टीपू आपसे जो भी मैं कहूंगा आपके जहन में जो पहला वर्ड आता है आपने कहना है. ठीक है. पीएसएल. जबरदस्त. जबरदस्त. लाहौर कलंदर. बेहतरी की गुंजाइश है. बेहतरी की गुंजाइश है. कराची किंग्स. बेहतर सिलेक्शन चाहिए. बेहतर सिलेक्शन चाहिए. शाहीन एस कैप्टन. नॉट द राइट टाइम फॉर हिम. नॉट द राइट टाइम. क्यों? अभी मैच्योरिटी की कमी है. अभी मैच्योरिटी की कमी है. और बाबर एस कैप्टन. बाबर इज अ बैट्समैन नॉट अ कैप्टन. तो आपने फॉर मी कप्तानी का आपके हिसाब से ऑप्शन क्या छोड़ा है? मोहम्मद रिजवान. मोहम्मद रिजवान. ये तो बासित भाई वाली बात किया. नेचुरल लीडर मुझे लगता है वो. नेचुरल लीडर. मुझे इमाद वसीम में भी कैप्टनसी नजर आती थी बट वो अब मुझे नहीं लगता कि अब टाइम उसके साथ है. ठीक है. गॉट इट. पाकिस्तान की सियासत. हिपोक्रिटिकल. डबल फेस. क्या क्यों? दो मुंह वाली. दो मुंह वाली. आपको पता नहीं कौन सा मुंह आपको मिलेगा देखने को. ये पाकिस्तान के इलेक्शन, ये जो मौजूदा इलेक्शन हुए थे, एक जोक है. ठीक है. कुछ नहीं. नहीं ये तो बात सच है. एक भी पॉलिटिशियन ब्रांड नहीं है. ब्रांड फ्लॉप है. सारे पॉलिटिशियन फ्लॉप है क्योंकि ब्रांड नहीं बने. अब अगला हम जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स. आपने ये फिल करनी है खाली जगह. आप ट्यूशन भी पढ़ाते हैं? नहीं नहीं. मुझे डैश से शिकायत है. मुझे डैश से शिकायत है. एक आध बिल्ली का नाम ले ले मेरी जान. सही है. इस बेईमानों से शिकायत. बेईमानों से शिकायत है. ठीक है. इंडस्ट्री में ज्यादातर डैश हैं. वो तो है. बोला टैलेंटेड है. टैलेंटेड है. बड़ा सेफ खेल रहे हैं. मुझे अक्सर लोग डैश कहते हैं लेकिन सच ये है कि मैं डैश हूँ. मुझे बता कौन कहता तुझे डैश. अरे नहीं नहीं अभी कह रहे हैं. अक्सर लोग पागल कहते हैं मगर मैं बहुत ज्यादा पागल हूँ. वादी तुमसे भी यही सवाल पूछता हूँ. जी जी जी. मुझे अक्सर लोग डैश कहते हैं लेकिन सच में मैं डैश हूँ. मुझे अक्सर लोग पागल कहते हैं लेकिन असल में मैं दीवाना हूँ. वाह वाह वाह. क्या गहरी बात करती है. ये ब्रांड बन जाएगा. इस बात पे तो बन जाना चाहिए. अवार्ड लेना है तो डैश जरूरी है. सॉरी क्या? अवार्ड लेना है तो डैश जरूरी है. अवार्ड लेना है रिवॉर्ड लेना है? अवार्ड. अवार्ड लेना है तो डैश जरूरी है. अच्छे ताल्लुकात जरूरी है. अच्छे ताल्लुकात जरूरी है. शोबिज में डैश नहीं. ये बहुत सारी चीजें कवर करता है. हाँ तो कुछ भी जो आपके जहन में आता है वन वर्ड. शोबिज में मुस्तकिल मिजाजी नहीं. शोबिज में मुस्तकिल मिजाजी नहीं. वक्त के साथ साथ आप चेंज होते रहें तो बेहतर है. ठीक है. तो आखिरी जो है वो है मेरा पसंदीदा शेर डैश है. तो यहाँ आप एक शेर सुनाएंगे हमें और फिर ये दोनों भी शेर सुनाएंगे और उसके बाद जो है मैं वहां से समझ सकता हूँ किस तरह का आएगा. उसके बाद नहीं तो मुकाबला होगा. उसके बाद प्रॉमिस किया हुआ है कि ये एक अच्छा शो एक शो में कोई भी ना एक अच्छा शेर जरूर सुनाए. मेरे पास एक बहुत अच्छा शेर है मैं एंड में सुना सकता हूँ. एंड में सुनाएंगे इन दोनों के बाद. मैं क्या इसकी इजाजत है? लफ्ज गलत हो जाएगा तो बता. नहीं वैसे हम चाहते हैं कि मेहमान पहले सुनाए क्योंकि मेहमान की इज्जत. चले आप ही सुना इरशाद शेर सुनाइए. वाह निकाल रहे. अच्छा नहीं करो यार. ये मेरा ख्याल है ऑडियंस ऑडियंस नहीं चाह रही. पहले बोले इरशाद. इरशाद ऑडियंस बता दे कितनी है. नहीं 25 लाख की ये अब जागी. लाखों करोड़ों की ऑडियंस जो है वो चाह रही है कि आप जल्दी से शेर सुना. शेब भाई सुना. मैं पहले सुना लेता हूँ. जी जी आप सुनाइए. मैं पहले सुना लेता हूँ. इरशाद मैं इस मुल्क के लिए हाजिर हूँ. इरशाद अर्ज किया है ये मुल्क है हम सब की आन. ये मुल्क है हम सब की आन. तू ब्रांड बन मेरी जान. ब्रांड बन. Very nice. ब्रांड नहीं बन रहा. टीपू भाई ने सारी पुरानी तस्वीरें देख लिया. मैंने वो पीस निकाल लिया. अच्छा निकाल लिया. मैं समझा मैं भी बहुत ज्यादा हो गया डिलीट कर. अच्छा ओके. मुझे बहुत पसंद है ये. हमें अल्लामा इकबाल का शेर है. गुलामी में ना काम आती हैं शमशीरें ना तदबीरें. जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें. वाह. कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोरे बाजू का. निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें. वाह वाह सुभान अल्लाह. मुझे बहुत पसंद है ये.
बड़ा बड़ा पुराना लेकिन बहुत ही जबरदस्त टू द पॉइंट. अब आधी मुकाबला बहुत सख्त है मेरा, आज डिसअपॉइंट नहीं करना, आज ऐसा शेर सुना दो कि बस तुम जीत जाओ. मेरी औकात ही नहीं है इस शेर के सामने वो शेर कहने की, लेकिन फिर भी एक आसान सा शेर सुना दूंगा. यस प्लीज. आपका शेर की पहली लाइन क्या थी सर? नहीं मैं ऐसी सुनना चाह रहा था कि गुलामों के काम नहीं आती ये शमशीरें. या गुलामों के काम नहीं आती ये शमशीरें, जानी तू खैबाने भैरिया से चला जा. खुदा है ना, शमशीर खुदा है. हाँ पास ही है. इसमें थोड़ा सा जहर डाल के पी लूं. देखिए मैंने डिफेंस किया कि जी जी अंग्रेज हाँ ग्रैनी कहते हैं होती है नानी. वाह वाह वाह. अंग्रेज जो है मैं तो रहा हूँ ना बाहर. वाह वाह. अंग्रेज ग्रैनी कहते हैं असल में होती है नानी, तेरा भाई के घुटनों से निकल रहा पानी. तो ऑडियंस फैसला करेगी कि किसका शेर सबसे अच्छा. ऑडियंस ब्रांड नहीं है, ब्रांड नहीं. नहीं ऑडियंस फैसला करेगी किसका शेर सबसे अच्छा था. सबसे पहले आदि से शुरू करते हैं. क्या आदि का शेर सबसे अच्छा था? सिवाय मेरे किसी को नहीं अच्छा लगा. मुझे अच्छा लगा. क्या शोएब भाई का शेर सबसे अच्छा था? ब्रांड. क्या टीपू का शेर सबसे अच्छा था? तो क्लियरली टीपू आपको मेरा नहीं है, अल्लामा इकबाल साहब मिली है, सबने पसंद किया जिनका है अल्लाह उनको दर्जात बुलंद फरमाए. असल में मसला ये है कि शेर के बाद जो जीतता है ना उसको गिफ्ट पेपर भी देना है. उनको आप दे नहीं सकते, आप ही को देना पड़ेगा. इस वक्त ये ऑप्शन आप ही है. थैंक यू वेरी मच. अब हम बढ़ेंगे मासूमाना ओवर की अगली बॉल पे. जी अगली बॉल जो है वो है पब्लिक सर्वे. तो पब्लिक सर्वे में जो सवाल आएगा आपके सामने टीपू, अच्छा उसमें आपने ये पहले अपने जहन में ये सोच लेना है कि पब्लिक क्या जवाब देगी. एक सवाल है और हमने सर्वे किया है कोई 9-10 लाख लोगों से और उससे हमने जवाब निकाले हैं. रमजान की वजह से कम नहीं हो गए? रमजान की वजह से थोड़े थोड़े कम कर लें. तो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा. ये है सवाल, फोन ना उठाने पर सबसे ज्यादा क्या बहाना बनाया जाता है? आपने सोचना यह है कि लोगों ने क्या जवाब दिया है. चार टॉप आंसर स्क्रीन पर आ जाएंगे. मदद आप ले सकते हैं, ऑडियंस से नहीं ले सकते. आपके साथ दो हमारे बड़े एक्सपर्ट क्रिकेटर्स हैं, वो आपको मशवरा दे सकते हैं. इतने समझदार और आपके सामने भी देख लें इतने समझदार आधी आधी क्या होना चाहिए. और शोएब भाई जिनको सब आता है तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं. अक्सर लोग ये बाना करते हैं तुम्हारी भाभी के साथ मसरूफ था, बातें कर रहा था उनसे, अच्छा किसी मसले पे बात चल रही थी. अच्छा ये भी होता. सर, शोएब भाई आपके ख्याल में क्या होना अच्छा चाहिए? मैं तो हमेशा ये करा रहा था, भाई का फोन गिर गया मैंने फेंक दिया, नया ले लिया सोने का था. मेरा ख्याल है बाथरूम का बहाना बनाते होंगे, बाथरूम में था. या वासित भाई ने क्या, किसने चार्जिंग गाड़ी, अच्छा गाड़ी का कह रहे थे, गाड़ी चला रहे थे, चार्जिंग चार्जिंग पे लगा हुआ था. कामरान कह रहे हैं या मैं घर से बाहर था, चार्जिंग पे लगा हुआ था. शोएब भाई के सुन ले क्या, मैं तो यूनिक है, मैं तो कहता हूँ कि यार मेरा फोन बाथरूम में था मैं बाहर हूँ. अगला अपने बहाने सबके. चार्ज हो रहा था भाई. आप क्या कहते हैं ये हो सकता है? चार्ज हो रहा था ये बहाना बहुत यहाँ से आया ये. अच्छा क्या चीज चार्ज हो रही थी? फोन चार्ज हो रहा था. साइलेंट था, साइलेंट भी हो सकता है. साइलेंट अच्छा जवाब हो सकता है. एक वो भी होता है कब किया, किसने किया. नहीं ये भी है लेकिन जो हमने बताया ये भी है. ये तो है ही लेकिन ये भी है. ये भी है. चार्जिंग से स्टार्ट ले, चार्जिंग से करते हैं, चार्जिंग से स्टार्ट ले ले. फोन चार्ज पे था, अगर ये जवाब है तो प्लीज खोल दीजिए. फोन चार्ज पे था, परफेक्ट आंसर. मेरे साथ बहुत होता है इसलिए ओरिजिनल चार्जर रखे बनना में. ये यार ऐसे नजीब जिसने सवाल बनाया उससे जवाब मत लो. जिसने सवाल बनाया नहीं ये वाले वो नहीं है मेरे नजदीक. ये सवाल पब्लिक सर्वे जो मेरे नजदीक था वो बाथरूम वाला था कि यार मैं बाथरूम में था. आपके नजदीक बाथरूम था? बाथरूम में था इसलिए फोन नहीं उठा सका. बाथरूम का चेंज कर, बाथरूम ट्राई कर ले, बाथरूम ट्राई कर ले, बाथरूम ट्राई कर ले, ट्राई करके क्या पता बाथरूम सही हो जाए वरना फिर प्लम्बर को बुलाएंगे. नलका घुटने में नलका तो वैसे ही है. अगर बाथरूम में था ऐसा कोई है तो दिखा दे, नहीं है तो क्रॉस लगा दे. बाथरूम में नहीं, नहीं था, घर से बाहर होता. देखिए आजकल तो मैं समझता हूँ ये इसलिए नहीं होता अप्लाई क्योंकि नॉर्मली लोग अपने फोन के साथ ही बाथरूम जा रहे हैं. अच्छा। नहीं भाई हम तो नहीं जाते, पता नहीं लोग क्या करते. फोन छिन गया था.
फोन आपको पता है फोन छिन गया था, सॉरी यार मेरा फोन छिन गया था डाकू के पास था। अच्छा फोन छिन गया था एक ऑप्शन हो सकता है आजकल, ये भी बहुत हो रहा है नहीं। लेकिन उससे ये भी काम पे था, मैं शूट पे था। नहीं वो शूट पे सब तो नहीं, काम पे नौकरी पे था ऑफिस। भाई कामरान कह रहे हैं साइलेंट पे था, कामरान ये भी हो सकता है या घर से मैं बाहर गया। और वासिफ भाई कह रहे हैं गाड़ी चला रहा था, या मैं घर से बाहर था फोन घर पे पड़ा हुआ था। क्या किस पे जाना है आप बताइए? गाड़ी पे जाना है। गाड़ी पे जाना है? हाँ गाड़ी पे, क्योंकि रिक्शे में बहुत फिर आप गाड़ी वाले को कहेंगे कहाँ जा रहे हो। क्या किसके साथ जाना चाहेंगे? एक कह रहे हैं कि गाड़ी में था, यानी कि ट्रैफिक, गाड़ी वाले के साथ चले जाओ आप, सुकून से चले जाओ। या दूसरा ये भी है कि मैं घर से बाहर था फोन घर पे रखा हुआ था। इतने अच्छे नहीं है आप। हाँ ना, कोई बाहर आ ही जाता है। वो आप बताए कि साइलेंट था, साइलेंट था फोन, ये लॉक करें। हाँ सही है, सही है साइलेंट। अच्छा फोन साइलेंट था, अगर ये आंसर है तो लॉक कर दें, फोन साइलेंट था। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। आई थिंक ये बड़ा एक कॉमन प्रॉब्लम है और हम लोग जो टीवी वाले लोग हैं वो अपना फोन अक्सर साइलेंट पे रख ही देते हैं, भूल जाते हैं, तो ये हो सकता है। अब आपके रह गए दो जवाब, सुन लो। अच्छा भाई आप दे दें यार, आप दो गाने आप सुना दो जो मैंने कहा। क्या जो मैंने कहा, फोन घर पे पड़ा हुआ था, मैं बासित भाई के साथ बाहर गया। मेरा नाम क्यों ले रहा है? नहीं तो आप क्या कह रहे हैं? पूरी आवाम बासित भाई के साथ बाहर जा रही है। नहीं नहीं भाई, वो कहना चाह रहे हैं, इसको बोला सच बोले ना, फोन छोड़ा हुआ था और मैं वहां गया हुआ था। नहीं नहीं वहां समझ जाओ। फोन घर पे था, मैं कराची में था। तो और क्या, फोन होटल में था और मैं बाहर था। ये हो सकता है, ये हो सकता है, 100% हो सकता है। मैं नहीं मान सकता क्योंकि नीचे जिम भी है ना, मैं उधर भी जा। अरे पूरी आवाम थोड़ी जिम होटल में जा रही है। मेरे ख्याल से मैं काम में बिजी था। इतनी गौर और फिक्र, मैं सोच रहा डेटा डेटा वाला सोच रहा था कि डेटा खत्म हो गई थी। देख रहे डेटा खत्म चलाते हुए फोन नहीं उठाते ना, डेटा या बैल डेटा खत्म हो गई थी, वो पैकेज खत्म हो गया था। पैकेज खत्म हो गया इनकमिंग पे, क्या डेटा? नहीं नहीं वो कह रहे बैटरी, पैकेज नहीं होता व्हाट्सएप का, पैकेज बंद होने का आवाज आएगी ना, वो जो अठन्नी से नहीं करते कार्ड पे। आप एक एक करके सबसे पूछता हूँ फिर फाइनल आप लॉक करेंगे, सही है? आप काम में मसरूफ था भाई? काम में मसरूफ था, मेरा फोन नहीं रखता मैं। मैं बंदे हैं इतने सारे को, 8-10 लोगों का क्रू है उनके पास होता है, जिसका फोन आया मैं उससे बात नहीं करना चाह रहा था। ये बहाना तो नहीं हुआ ना बासित भाई, ये बहाने बनाए जाते हैं ना। आप तो स्ट्रेट अवे बोल रहे आई डोंट लाइक यू, ये नहीं हो सकता, बहाना बताइए। ड्राइविंग वाला, ड्राइविंग मेरे ख्याल से मैं घर से बाहर था। यार आप बहुत घर से बाहर रह रहे हो, मुस्तकिल मिजाजी पे पूरे नंबर है। आप घर नहीं आ रहे हो, मैं नोट कर रहा हूं, दूसरे कमरे में था, आवाज नहीं आई। फोन दूसरे कमरे में था, आवाज नहीं आई। देखिए मेरे हिसाब से साइलेंट पे वो कवर हो जाता है। मेरा ना फोन ऑफ था, फोन ऑफ यार, फोन खराब था, बासित भाई को ठीक करने के लिए मुझे ना मुझे पता है क्या है इसमें, मुझसे पूछे तो मुझे आदि के जवाब में जरा लग रहा है कि कुछ दम है। क्या आदि के जवाब? आदि ने कहा मैं काम में मसरूफ था। ओके लेट्स प्ले दैट, हो सकता है ना, करें चेक करें। काम में मसरूफ था, ऑफिस में था, कुछ भी इस तरह का है तो दिखाएं। मीटिंग में था, आप हमारे सबसे सियाने आदमी की तो सुन नहीं रहे, ये ऐसी है ना, हमारी आवाज हमेशा दबाई गई है। अच्छा फिर आखिरी बासित भाई वाला भी ले लें, ड्राइविंग ड्राइविंग कर रहा था, ड्राइविंग कर रहा था, फोन ड्राइविंग कर रहा था। आप तो कहते आपको गाड़ी नहीं है, आप कहाँ से ड्राइविंग कर रहे थे? अभी तो लाइसेंस बनवाया यार, लाइसेंस अभी एक हफ्ता पहले ही लाइसेंस बनवाया नाजमाबाद से। वो तो असले का नहीं बनवाया, वो पहले से असले का लाइसेंस बनवा के पानी वाली गंज नहीं, आजकल वो भी बहुत है। गाजा ड्राइव कर रहा था, कोई कामरान की भी सुन लो। आप बताएं, मैं घर से बाहर था। यार आप तो वापस घर से बाहर, घर से बाहर था, ड्राइव कर रहा था। हाँ अच्छा ये दोनों हो गए, ये दोनों हो गए, यही चीज है, ये गलत होगा नहीं। अच्छा कोई घर से बाहर ड्राइविंग, कुछ ट्रैफिक कुछ ऐसा है, कुछ चला रहा था घर से बाहर, ट्रैफिक में था, कौन ट्रैफिक में था, मैं घर पे था, इसीलिए कहते हैं घर में नहीं था ट्रैफिक में था। सुननी चाहिए आपका नहीं बन रहा ताली मारना, घर से बाहर था ही नहीं भाई, घर से बाहर निकले तो ट्रैफिक में फंसा है ना, घर में थोड़ी ट्रैफिक होती है। बासित भाई का नंबर वन आंसर था, बासित भाई का नंबर वन आंसर था ट्रैफिक में फंसना। तो अब जो है ना एक और गेम है, आप कभी फंसे किसी से ट्रैफिक में? मैं बहुत फंसा हूँ ट्रैफिक में। हाँ अक्सर नंबर दे दे फंस जाते हैं आप तो, लेकिन बच के निकल आप फंसते होंगे तो आप तो भाग के चले जाते हैं। मैं तो खुद फंसने के लिए मैं फंस जाता हूँ। मैं तो नहीं रुकता, नहीं तो आप तो भाग के भी जा सकते हैं ना शोभ भाई। मैं तो जब भी गाड़ी में निकलता हूँ ना, आप तो ग्राउंड तक पैदल जाते थे ना मेरा ख्याल है, पैदल पैदल
हमेशा हमेशा पैदल गया हूँ। पागल घुटने मेरे जो खत्म हुआ किस चक्कर में हुआ? यहाँ से मेलबर्न पैदल है तेरा भाई है? इसमें अगर सैड म्यूजिक डालो ना ये बड़ी क्या स्टोरी है नहीं, 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 उनकी कहानी चल रही है सैड। आप एक दफा मैं क्रिकेट खेलने के लिए निकला और जब पिंडी स्टेडियम पहुंचा हूँ मैंने बॉल ली है उन्होंने कहा आज मैच ही नहीं है। फिर वापस पैदल गया हूँ फिर क्या हम दोबारा बस आगे गेम की तरफ बढ़ते हैं? अगला गेम है ना, हाँ जी, वो आपने बताना है शॉट कहाँ जा रहा है। बैट्समैन की तस्वीर आएगी, एबीसी आपको दिया जाएगा और वो शॉट कहाँ जा रहा है ये आपने बताना है। में मैंने आपसे कहा था कि हम बिजनेस एंड की तरफ आ गए पीएसएल सीजन 9 के, तो अब जो है वो प्लेऑफ्स हैं और कल जो पहला मैच है उसे कहते हैं क्वालिफायर 1। जो दो बेस्ट टीमें होती हैं वो खेलती हैं, जो जीतता है वो फाइनल में जाता है, जो हारता है वो इंतजार करता है, वो बाहर नहीं होता। तो उसके लिए प्रिडिक्शंस ले लेते हैं सबसे पहले, फिर आगे गेम का सिलसिला करेंगे। तो प्रिडिक्शन पहले शुरुआत आदि आपसे। जी जी, मुल्तान सुल्तान पिशावर जलमी कौन जीतेगा कल? पिशावर जलमी, पिशावर जलमी। मैं थोड़ा इनसे डिफरेंट कहूंगा, पिशावर जलमी बिल्कुल अलग कह दिया मैंने, पी ज़रा थोड़ा जोर दिया ब्रांड ब्रांड ठीक है। बासित भाई मुल्तान, मुल्तान पिशावर जलमी, पिशावर जलमी पूछना ही नहीं चाहिए था, पिशावर जलमी बिल्कुल सही। मैंने तो ये कहा कि पीएसएल 9 चैंपियन पिशावर जलमी बने, इतनी बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी नहीं चाहिए, बाकी क्या करें, मजबूरी या परफॉर्मेंस ऐसी दिखा दी है, कहना पड़ रहा है, कहना पड़ रहा है, बिल्कुल सही है। वो शुरुआत उनकी अच्छी नहीं हुई थी लेकिन आगे बड़े अच्छे गए हैं, तो कामरान का कहना है पिशावर। टीपू आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि 15 मैचेस जो हुए हैं उनमें से 10 मुल्तान जीता है, 5 पिशावर जलमी जीता है। व्हाट डू यू थिंक? मुल्तान का वेल राउंडेड यूनिट हर चीज जीतेगा। मुल्तान, टीपू भाई बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए यार, टीपू की तरफ से टीम बहुत अच्छी है, कामरान में बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए यार, इससे पहले कि हम भी टीम बहुत अच्छी यार, आप दोनों के बड़े जवाब है। हालांकि हालांकि लग ये रहा है कि भाई को वो रेसलिंग वाला बेल्ट देना चाहिए। तो जब प्रिडिक्शन का तो कल ही पता चलेगा, लेकिन जो आपकी तरफ से अगर 3-2 है, 3-2 पिशावर है वोट के हिसाब से, अगर आप मैं और बासित भाई मुल्तान, मुझसे भी पूछे तो मैंने तो इसलिए कहा कि 2 मैच पिशावर जीत चुका है पहले ना मुल्तान से, तो ये ट्राई मैच है पिशावर के लिए, होना फाइनल इन दोनों का ही है। मैच्योर इंसान, टीपू आपकी इस लुक के साथ जब दुबई हिमानी की फ्रेग्रेंस पहुंच जाएगी ये हमारा हमारी तरफ से आपके साथ जाएगा। थैंक यू सो मच।